मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन किया था, करेक्ट? थोड़ा करने, यस सर। चलो फिर जल्दी से। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इक्वल्स टू हाफ इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू पाई से फाइव पाई। ऐसा क्वेश्चन ट्रिगो इक्वेशन में किए हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है इस इक्वेशन का। ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफिकली करते हैं या एल्जेब्रिकली? एनीबॉडी? ग्राफिकली ग्राफिकली किस किस के ग्राफ बनाते हैं? साइन एक एक लेफ्ट साइड का ग्राफ और एक राइट साइड का ग्राफ, करेक्ट एवरीवन? हाँ ना, फास्ट बोलो यार, इंटरेक्ट करो। यस सर। राइट साइड का कौन सा ग्राफ होगा? फटाफट फटाफट फटाफट। राइट साइड ग्राफ, ग्राफ मतलब मुझे वाई वर्सेस एक्स चाहिए। वाई इक्वल टू क्या होगा? हाफ होगा, करेक्ट? यस सर। लेफ्ट साइड होगा वाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स। एम आई ओके? यस सर। दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। बनाओ दोनों ग्राफ को, और पूरा माइनस टू पाई से फाइव पाई बनाने की जरूरत है क्या, या सिर्फ जीरो से टू पाई चलेगा? जीरो से टू पाई चलेगा, क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही ग्राफ रिपीट होता है। करो करो। अब तक ग्राफ तो बना लेना चाहिए था तुमने, अभी तक वो भी नहीं बनाया तो बिल्कुल बैड। जीरो से टू पाई में साइन एक्स का ग्राफ बनाया, याद है मैक्सिमम का ग्राफ में दोनों ग्राफ पहले बनाते हैं हम? एवरीवन? यस सर। फिर कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ, और अब मैक्सिमम को शेड कर दूं एवरीवन? जो ऊपर है बस उसको शेड करते जाओ, करेक्ट ना? यस सर। यस सर।
So who is left side graph now? Black one or red one? Red one. अरे मैक्सिमम का ग्राफ ही तो शेडेड वाला ग्राफ है ना गधों, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, आप किसका ग्राफ बनाओ नेक्स्ट? तुम बोलो। Y equal to half का। Y equal to half के लिए हमें जज करना चाहिए कि वो इस पॉइंट के नीचे से जाएगा या ऊपर से, करेक्ट? Yes sir। और ये वाली वैल्यू क्या होती है? 1/√2। उसकी वैल्यू होती है 0.707। तो बताओ Y equal to half इसके नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा? नीचे से जाएगा। तो बताओ 0 से 2 पाई में उसने कितनी बार इंटरसेक्ट किया रेड ग्राफ को? क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट होगा क्या? नो सर। ये वाला काउंट होगा क्या? यस सर। ये वाला भी काउंट होगा क्या? यस सर। तो 0 से 2 पाई में कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 2 बार, करेक्ट एवरीवन? यस सर। 2 पाई से 4 पाई में कितनी बार करेगा? सेम ही टाइप का करेगा ना? यस सर। ओके, माइनस 2 पाई से 0 में बिल्कुल सेम। अब बचा 4 पाई से 5 पाई, सिर्फ पाई का इंटरवल है। आई होप सबको समझ में आता है, वहां पे जो हो रहा है वो सेम 0 टू पाई में हो रहा है, करेक्ट? यस सर। तो बताओ 0 टू पाई में कितने आंसर है? 1। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हैं? 7। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन तुमने ट्रिगो इक्वेशन में भी किया है, या नहीं किया है? Yes. Yeah. वो अलग बात है, याद नहीं रहता है, वो तो हमारी खासियत है। कोई डाउट किसी को? नो सर। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस। ओके, थर्ड टाइप ऑफ पीसवाइज फंक्शन, फर्स्ट वाज मॉडुलस, सेकंड वाज मैक्सिमम मिनिमम, थर्ड इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन वाई इक्वल टू एस जी एन एक्स। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ऐसी होती है बच्चों, मतलब ये नया फंक्शन है तुम्हारे लिए ऑब्वियसली, तो कंप्यूटर्स में बहुत बार या कहीं भी मैथमेटिक्स में भी बहुत बार पता करना पड़ता है कि इनपुट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ऑब्वियसली मतलब देख के पता लग जाता है, पर बहुत बड़ी वैल्यूज या यूं सोचो कुछ भी चीज है कंप्यूटर्स में, तो इनपुट पॉजिटिव होगा तो सिग्नम आंसर 1 दे देता है। क्या करता है, रिपीट करो। आउटपुट पॉजिटिव होता है, कोई भी पॉजिटिव, इट डजंट मैटर, कोई भी पॉजिटिव तो आउटपुट 1 आता है। इनपुट नेगेटिव होता है तो आउटपुट कितना आएगा गेस? 0 -1। ओके, तो दैट इज द सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या है देख लो, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x इज मॉड x बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। एग्री करो कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यस सर। इसलिए x नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है और x इक्वल टू 0 के लिए 0 अलग से डिफाइन कर दिया। इस टाइप की डेफिनेशन को वैसे ही पीस वाइज बोलते हैं, एग्री करो? हाँ सर। बट अब पीस वाइज को और अच्छी तरह ब्रेक करना है कि x नॉट इक्वल टू 0 या मॉडुलस को ओपन करना है, तो मॉडुलस किसके हिसाब से ओपन होगा? एनीबॉडी? x की वैल्यू कि x ग्रेटर देन 0 के लिए कैसे ओपन होगा? आपको ये याद रखना है फाइनली कि सिग्नम एक्स क्या होता है बच्चों, 1 इफ कैन आई से पॉजिटिव इनपुट, कैन आई से लाइक दैट? यस सर। अगर नेगेटिव इनपुट तो -1, और अगर 0 इनपुट तो फिर आंसर भी 0। मतलब एग्जांपल वाइज अगर मैं पूछूं सिग्नम ऑफ 4.2 का क्या आंसर है? 1। सिग्नम ऑफ -4.9 का? -1। सिग्नम ऑफ 40,020? +1। बस 1 बस।
आई होप मतलब तो समझ गए। यस सर। ओके ये कॉपी करो और फिर सिग्नम का ग्राफ बनाओ खुद से, दिमाग लगाओ ग्राफ बनाओ जल्दी। डेफिनेशन को देख के ग्राफ सबको आना चाहिए। कॉपी करने के बाद सिग्नम का ग्राफ बनाओ जल्दी से। ओके हो गया बच्चों। यस सर। चलो लेट्स सी क्या ग्राफ बनाया। सो सिग्नम का ग्राफ बना रहे हैं। कैसा बनाया, कोई हेल्प कर सकता है? पॉजिटिव के लिए प्लस स्ट्रेट लाइन। हां पॉजिटिव के लिए मतलब यहाँ पे हर जगह वन है, करेक्ट? यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, तो इन सब वन को ज्वाइन करोगे तो ऐसी लाइन ही दिखेगी ना वन पे, कॉन्स्टेंट लाइन। यस सर। गलती yes, क्या है कि यहाँ पे कैसा दिखेगा? ओपन ओपन, क्योंकि जीरो पे आंसर वन नहीं है, एग्री करो? यस। जीरो पे आंसर कितना है? जीरो। जीरो तो ओरिजिन से पास कर रहा है, करेक्ट? यस। फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा? माइनस वन। यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? माइनस वन। आई होप सबको दिख गया कि ये भी कॉन्स्टेंट लाइन है और यहाँ पे ओपन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सिग्नम। बिल्कुल क्लियर? चलो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन मतलब आईज ऑन एक्स एक्सिस, टेल मी। ऑल रियल वैल्यूज, मतलब सिग्नम को इनपुट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, करेक्ट? यस सर। ओके इसकी रेंज क्या है? रेंज मतलब आईज ऑन वाई एक्सिस -1, 1 -1, 0, 1 एंड 1, बट ये इंटरवल है या सिर्फ तीन वैल्यूज है? तीन वैल्यूज है। तीन वैल्यूज है। बिल्कुल कॉपी कर लो जल्दी से। आई होप हो गया कॉपी। तो अब सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ तो तुम्हें आता है, करेक्ट? यस। अगर सिग्नम के अंदर कोई और फंक्शन है तो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। लाइक ग्राफ बनाना है हमें सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का, तो मैं क्या स्टेप्स लिख रहा हूँ तुम देखना, तुम खुद एग्री करोगे। स्टेप वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन कौन है इस एग्जाम्पल के लिए? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? क्योंकि वही ग्राफ सबसे पहले इनपुट वहीं पे जा रहा है, कम ऑन। यस सर। सबसे पहले इनपुट किसको जा रहा है? इसी को तो जा रहा है, कम ऑन। यस सर। इसलिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का सबको आना चाहिए। नहीं आता है तो भाई सन्यासी बनो, जी आपकी बस की बात नहीं है। फिर जीरो कॉमा माइनस वन, ये वाले पॉइंट कौन से होंगे बताओ एनीबॉडी? -1, 1
ये वाले पॉइंट्स वो है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। मैं ग्राफ इसका बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का, जीरो कॉमा वन का। अरे जल्दी बोलो यार, गदो गदो गदो। वन एन माइनस, मैंने बोला था वापस बोल देगा, पाप नहीं कर देगा। माइनस वन एंड वन, माइनस वन एंड वन नहीं, मतलब मेरे को कोऑर्डिनेट बोल। जीरो कॉमा वन, जीरो कॉमा वन, गदो वाई एक्सिस माइनस। नहीं क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, आई डोंट नो। 1.0 0.0 क्या इतनी अक्ल है कि ये मैं बिना समझाए आपको समझ में आ गया? यस सर। क्यों गलती करते हो यार, फिर गिव अप होता है कि ऐसी चीजें भी समझानी पड़ती है तो काय का एडवांस बैठे सीटी के बच्चे हैं फिर तो ऐसा लगता है। तो स्टेप वन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनर फंक्शन। क्यों इनर फंक्शन, कोई खुद से समझा सकता है मैंने क्यों बनाया इनर फंक्शन का ग्राफ पहले? चलो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें, देखो। सिंस द आउटपुट ऑफ इनर फंक्शन गोज एज एनीबॉडी इनपुट टू इनपुट ऑफ आउटर फंक्शन, इसलिए हमने इनर का बनाया ताकि आप उसकी कौन सी वाई वैल्यूज देख पाए, करेक्ट और नॉट? Yes, yes. Come on, इस लाइन को एम्फेसाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसकी की y values अब सिग्नम को इनपुट की तरह जा रही है। Come on. Yes, sir. और सिग्नम तो कुछ नहीं करता है, ज्यादा सोचता ही नहीं है, उसको अगर इनपुट पॉजिटिव मिलता है तो वन कर देता है। मतलब x square minus one का आउटपुट जो कि सिग्नम को इनपुट की तरह जा रहा है वो अगर पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम उसको वन कर देगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कहना ही से अब मुझे y values of this graph देखनी चाहिए? Yes, sir. इसकी y values जब भी positive है, final answer one हो जाएगा, agree करो? Yes, sir. इसकी y values जब भी negative है, final answer कितना हो जाएगा? Minus. Minus, sir. और इसकी y values जब भी zero है, final answer भी zero हो जाएगा। Yes. क्या ये step understood है? Yes, sir. Yes, sir. इसका ही वापस summarize कर रहा हूँ, सबसे पहले inner function का graph बनाओ, फिर जहां जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे तुम्हारा भी जीरो होगा। कम ऑन, यस सर। फिर वन मार्क करो और माइनस वन को मार्क करो, वन तो ये रहा, वन और माइनस वन ये रहा। जहां भी इनपुट, कम ऑन, ये वाला पॉजिटिव है, एग्री करो, आउटपुट पॉजिटिव है? हाँ सर। तो जितना ये ग्राफ है उतने ही ग्राफ में मुझे वन बनाना है, एग्री करो? यस। तो बताओ कहां से चालू करूं, वन यहां से चालू करूं या ये वन के ऊपर से चालू करूं? यहाँ से वन के ऊपर से, अंडरस्टूड ना? क्योंकि मुझे यहाँ नहीं बना सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ तो नेगेटिव दिख रहा है। कम ऑन, यस सर। तो आई होप अंडरस्टूड है कि जितना मैंने पार्ट सर्कल किया है उसी के करेस्पॉन्डिंग मैं वन बनाऊंगा, ऐसा। क्या ये अंडरस्टूड है सबको? यस यस सर। देन ग्रीन वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव है। कम ऑन, यस। तो इतने ही पार्ट में मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कम ऑन, माइनस वन। कम ऑन, एग्री करो बच्चों? यस सर। फिर ये जीरो पे तो जीरो है ही है, फिर वापस ये वाला पार्ट है वो वापस पॉजिटिव है। कम ऑन, वाई ग्रेटर देन जीरो इसके लिए? यस सर। यस सर। तो वापस मेरा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। कम ऑन, यस सर। तो अगर मैं फाइनल ग्राफ तुम्हारा अलग से रिजल्ट के लिए बनाऊं तो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। यस सर। This is your final graph. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. So easy है ना, बस inner function बनाओ, inner function का output जब भी positive है one कर दो, inner function का output जब भी negative है minus one कर दो, correct? Yes, sir. Yes, sir. Copy करो।
यस कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। यस कोई डाउट सर? वो आपने एफए क्या लिखा है? क्या एफए लिखा है ना आपने, वो क्या है? फाइनल आंसर। सॉरी सर। आगे बढ़ूं? यस। चलो ये ग्राफ बनाओ। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? x square minus 4 का बनाओ। आई होप बना दिया। यस सर। y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 बिल्कुल सेम टाइप का ग्राफ है। क्या पॉइंट चाहिए? माइनस 4। ये वाला पॉइंट 4 कॉमन 2 कॉमन 0 गधे ही रोगे तुम। माइनस 2 कॉमन 0। ओके ये वन लाइन, ये माइनस वन लाइन। सबसे पहले मैंने क्या पकड़ने के लिए बोला था कि कहां पे 0 हो रहा है, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो तुम्हारा आंसर वहां पे भी जीरो ही होगा, ये जीरो हो गया। अब ये वाला पार्ट पे वाई ग्रेटर देन जीरो एग्री करो। हाँ सर। तो इन सब पे आंसर क्या होने वाला है? वन। वन। ये वाला पार्ट पे भी वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो इन सब के लिए वाई कितना होने वाला है? माइनस वन। ये वाले पार्ट में वाई लेस देन जीरो है, इसलिए यहाँ सब पे आंसर माइनस वन होने वाला है। यही ग्राफ है। कोई डाउट? यस, किसी को डाउट सर? वो साइन उल्टा होगा ना? क्या साइन उल्टा होगा? ये वाई लेस देन जीरो होगा, ये लेफ्ट साइड में।
ये y less than zero है, ये y y x नहीं, गधे output. सो ये वाला ग्राफ बनाओ, signum of ln x, come on. हो गया क्या भाई? यस सर. ओके, सबसे पहले किसका ग्राफ बनेगा? ln x का. ये पॉइंट 1,0, यहाँ पे 1 मार्क करो, यहाँ पे -1 मार्क करो, और 0 है उसको पकड़ो सबसे पहले 0. नाउ कैन आई से ये सारी आउटपुट पॉजिटिव है? यस सर. तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 1. यहाँ पे 0. ये सारे आउटपुट कैसे हैं? नेगेटिव. तो इन सब पे क्या हो जाएगा? -1. तो देखो -1 यहाँ तक है, फिर 0 पे ऐसे क्लोज रहेगा या ओपन रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? ओपन. क्यों? 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, करेक्ट ना? यस सर. और नेगेटिव पार्ट में कुछ आएगा या नॉट डिफाइंड रहेगा? अनडिफाइंड. कोई इश्यू किसी को? आई होप सिग्नम बेसिक समझ में आ गया. बस अब दूसरे जब दूसरे टॉपिक्स में साथ में आएगा देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस. अब फोर्थ टाइप का फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जो बीटी में भी थोड़ा पढ़ा है, जो अब दो लेक्चर उसी पे काम करेंगे, कौन सा? जी आई एस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको हम वाई इक्वल टू क्या बोलेंगे? बॉक्स एक्स नाम से भी बोलते हैं इसको, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन, बहुत सारे नाम है इसको, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इंटीग्रल फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इंटीजर ही होता है, करेक्ट ना? यस सर. ओके, लिखना बंद करो, बाद में कॉपी करते रहना. इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? बॉक्स एक्स इज एनीबॉडी? इंटीजर. इज द इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर? क्योंकि लेस देन तो बहुत सारे इंटीजर है ना. Is the greatest integer less than or equal to x? मतलब number line की help लिया करो. 0, 1, 2, -1, -2. मतलब example wise अगर मैं box of 0.5 बोल रहा हूँ तो 0.5 यहाँ पे होता है, correct? Yes sir. तो उससे just छोटा या उसके बराबर integer कौन है? Zero. इससे answer 0 होता है. Box of 1.99 क्या होता है? One. बॉक्स ऑफ 2 क्या हो जाता है? 2. देखना, बॉक्स ऑफ 1.99 तो 1 है, बट बॉक्स ऑफ -1.99 क्या होगा? दिमाग लगा के बताओ. 1.99 यहाँ पे देखो -2. आंसर -1 होगा या -2 होगा? गधों, -1.
वही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए गधे कहलाते हो, गधा बोलना चाहिए। क्या माइनस वन उससे बड़ा इंटीजर है या उससे छोटा इंटीजर है नालायक? माइनस वन माइनस 1.99 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, बड़ा है। और हमारी डेफिनेशन क्या है? लेस देन, लेस देन, लेस देन। तो बॉक्स ऑफ माइनस 1.99 क्या होगा? माइनस टू। थोड़ा सा अक्कल लगाया करो ना यार, मैं जैसे उल्लू बनाते हो उल्लू बनते हो। बॉक्स ऑफ 2.4 अरे भाई मैं तो सच्चे में सुसाइड कर लूंगा यार उन बच्चों को पढ़ा के, तो सच्चे में। बॉक्स ऑफ 2.43 कैसे हो गया मुझे समझाना एक बार। बस क्यों? क्योंकि मैं माइनस में पूछ रहा था, तो बस यहाँ अपने आप मान लिया माइनस, करेक्ट? हाँ सर, फ्लो में हो गया। अरे नालायक हो यार। बॉक्स ऑफ 2.4, दो सेकंड ले हो ना, किसने मना किया? बॉक्स ऑफ 2.4 सोच के बोलो, बोलो। तो बॉक्स ऑफ माइनस 2.6 सोच के बोलो, माइनस थ्री। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसका ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ में तुम्हें पता लगेगा कि इसका नाम स्टेप फंक्शन क्यों है। ओके, मैं एक्स में इंटीजर मार्क कर रहा हूँ। क्यों मार्क कर रहा हूँ? एनी गेसेस एनीबॉडी? क्योंकि इंटीजर पे एकदम से जंप मार जाता है, दिख रहा है? उसके बाद एक ही। और y पे भी इंटीजर तो मार्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स हमेशा क्या होता है? इंटीजर। चलो मेरे साथ, अब मैं जो पूछ रहा हूँ फटाफट बोलते जाना। बॉक्स ऑफ जीरो, जीरो। बॉक्स ऑफ पॉइंट वन, जीरो, जीरो। बॉक्स ऑफ पॉइंट टू, जीरो। अरे यार, बॉक्स ऑफ पॉइंट टू, जीरो। सबको दिख रहा है ना, मैं रेड लाइन बना रहा हूँ। बॉक्स ऑफ पॉइंट फाइव, जीरो। बॉक्स ऑफ पॉइंट नाइन, जीरो। बॉक्स ऑफ पॉइंट नाइन नाइन, जीरो। बॉक्स ऑफ पॉइंट नाइन 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 नाइन, जीरो। एंड बॉक्स ऑफ वन, सबको ये दिखा, जंप दिखा? इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है। क्या हुई है? कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, मतलब एक तरीके से ये सिंपल वर्ड्स में डिसकंटिन्यूअस एट वन, करेक्ट और नॉट? यस सर। डिसकंटिन्यूअस एज द इंग्लिश वर्ड सेज, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू वन, करेक्ट? यस सर। ओके, नेक्स्ट। बॉक्स ऑफ 1.1, वन। बॉक्स ऑफ 1.4, वन। बॉक्स ऑफ 1.9, वन। बॉक्स ऑफ 1.99, वन। बॉक्स ऑफ टू, टू। जस्ट एक सेकंड में मैं आया, तब तक दूसरा सोचो पूरा। ओके,
वर्क फ्रॉम होम का यही नुकसान है, कोई भी आ जाता है. यस बॉक्स ऑफ 2.4 2 बॉक्स ऑफ 2.9 2 बॉक्स ऑफ 3 3 आई होप अब समझ में आ गया इसको स्टेप फंक्शन के बोलते हैं. यस 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 देख लो ये 2 है ये 3 है ना स्टेप जैसा दिखता है. चलो नेगेटिव पार्ट पे बॉक्स ऑफ -1 सोच के बोलना नेगेटिव आया था गलत है -1 गुड बॉक्स ऑफ -0.9 -1 बॉक्स ऑफ -0.5 -1 बॉक्स ऑफ -0.0000001 -1 बट बॉक्स ऑफ 0 0 तो क्या ना इसे नेगेटिव पार्ट में भी वैसा ही ग्राफ है देखो. यस यस तो मैं बना रहा हूं. दिस इज द ग्राफ ऑफ स्टेप फंक्शन. ओके एवरीवन. यस यस बिफोर यू कॉपी यू टेल मी डोमेन क्या है बॉक्स का. डोमेन मतलब आइज ऑन एक्स एक्सिस एंड टेल मी कहीं नॉट डिफाइंड है क्या. नो तो डोमेन क्या है ऑल रियल वैल्यूज. गुड रेंज क्या है इंटीजर्स. वेरी गुड ऑल इंटीजर्स दिख रहा है सबको. यस सर. यस सर मतलब रेंज को सिर्फ बोलो मत रियलाइज करो कि अच्छा बॉक्स हमेशा इंटीजर होता है. मतलब अगर मैं पूछूं बॉक्स एक्स इज 1.2 बॉक्स 1.2 आंसर होना चाहिए क्या. नो नो सॉल्यूशन कम ऑन. यस कोई भी आंसर एक्स का ऐसा नहीं है जो बॉक्स में 1.2 दे. करेक्ट और नॉट. यस सर. बट कैन बॉक्स एक्स बी 2. यस इट कैन. आंसर होगा जो अभी पढ़ लें. क्लियर एवरीवन. यस. अच्छा ये भी चीज समझ में आ गई ना. बॉक्स ऑफ 1.2 तो पॉसिबल है 1. There is a difference between these two. Everyone realize this? Yes, sir. Yes, sir. Box के अंदर डाल रहा हूँ तो domain है. Box का output की बात कर रहा हूँ वो range है. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो copy करो यहाँ तक. कोई डाउट बच्चों. यस सर. यस क्या डाउट है. नो डाउट देन. कैन आई टर्न द पेज एवरीवन. सर
solve first part. Box of 1 by 4 plus box of 1 by 4 plus 1 by 200 plus box of 1 by 4 plus 2 by 200 सिर्फ छोटा सा जो अपने पास दिमाग है ना वो यूज करना है बस दोनों पार्ट का आंसर विद इन 60 सेकेंड आ जाना चाहिए कॉपी भी हो जाना चाहिए आंसर भी आ जाना चाहिए ईशान दोनों सही प्रशांत दोनों सही दोनों आंसर लिखोगे तो ही देख रहा हूँ अमन दोनों सही वेदाय दोनों सही लास्ट 10 सेकंड्स फर्स्ट पार्ट का आंसर बॉक्स ऑफ 0.25 कितना होगा जीरो एम आई करेक्ट यस ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है आई होप सबका दिमाग चलना चाहिए कि 1 बाय 4 में जब तक मैं 3 बाय 4 ऐड नहीं करूंगा तब तक सारे फ्रैक्शन जीरो होंगे करेक्ट यस सर 3 बाय 4 तो बहुत बड़ा नंबर होता है एज कम्पेयर टू ये चुनने मुन्ने वैल्यूज ये भी जीरो ये भी जीरो कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में किसी को सेकेंड पार्ट यस ऑब्वियसली जीरो यस ऑब्वियसली जीरो यस ऑब्वियसली जीरो यस ऑब्वियसली जीरो एंड मैंने अपना टेढ़ा दिमाग लगाया कि जब तक मैं 1 बाय 4 में 3 बाय 4 ऐड नहीं करूंगा तब तक सारे फ्रैक्शन जीरो होंगे करेक्ट ना यस सर फिर मैंने दिमाग लगाया अच्छा ये तो समथिंग बाय 200 है तो ये 3 बाय 4 को मुझे 200 के टर्म्स में लिखना है तो 4 × 50 तो 3 × 150 मतलब ये वाला फ्रैक्शन 1 है क्या ये सामने समझ में आया यस सर तो व्हाट अबाउट इससे पहले वाला वो उसका आंसर 1 होगा या 0 होगा जीरो जीरो ही होगा क्योंकि वो 3 बाय 4 से छोटा है अंडरस्टूड तो सिर्फ लास्ट वाला फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 1 तो आंसर इज 0 प्लस 0 प्लस अप टू 0 प्लस 1 दैट इज फाइनल आंसर इज 1 अंडरस्टूड यस किसी को डाउट नो सर 10 सेकंड्स कॉपी फास्ट तो छूट गया तो 5 सेकंड्स जल्दी हर्षल सही हृदय सही प्रशांत सही अमन रॉन्ग ईशान जैन सही सर्वेश सही गौतम सही संयम सही ध्रुव करेक्ट कृष्णा करेक्ट तन्मय करेक्ट आशुतोष करेक्ट अब तो सबका आंसर आ गया है कहाँ तक जीरो होगा बच्चों 149 तक जीरो होगा यहाँ से 1 होना चालू होगा करेक्ट ना Yes. ये 1 कौन सा 150 वाला टर्म है अच्छा 151 का भी आंसर 1 ही होगा ना यस सर और ये जो लास्ट है इसका भी आंसर 1 ही होगा तो 1 + 1 + 1 n टाइम्स आंसर n होता है करेक्ट तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 का आंसर उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कम ऑन यस
यस सर। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो तुम काउंट कर सकते हो 50। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, ये ब्रैकेट्स में पाई स्क्वायर जो लिखा है, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स है या बॉक्स है? बॉक्स ब्रैकेट्स। हाँ बॉक्स ब्रैकेट्स है। नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट्स है। जब तक मैंने ये नहीं लिखा तुम्हें जीआईएफ नहीं मानना है। इज दैट क्लियर? ओके यस। क्या सबने सुना? ऑब्वियसली हम yes, अभी टॉपिक कर रहे हैं तो ये सारे ब्रैकेट्स मेरे लिए बॉक्स होंगे, बट एग्जाम में जब तक ये नहीं लिखा होगा तुम्हें बॉक्स नहीं मानना है। समझ गए ना? ऑब्वियसली yes, क्लास में तो मैं कितनी बार लिखूंगा नहीं, वो तो ऑब्वियस होगा, बट एग्जाम में हमेशा लिखा होना चाहिए। निकालो आंसर। Yes, got some answer? Okay, Shyam. Aman correct, Sarvesh correct, Sayam wrong, Ishan wrong, Sarvesh correct, Hriday wrong, Prashast wrong, Ishanjan wrong, Gautam correct. Chal, enough time. पहले एफ ऑफ एक्स को ही सिंप्लीफाई करो। पाई की वैल्यू होती है 3.14, पाई स्क्वायर होता है रफली 9.4 समथिंग होता है। तो बॉक्स ऑफ पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बट बॉक्स ऑफ माइनस पाई स्क्वायर विल बी माइनस 9.4 समथिंग ना? माइनस 10।
तो यहाँ पे cos 9x प्लस cos माइनस 10x आएगा, क्या अंडरस्टूड यहाँ तक? तो ये जो दो क्वेश्चन करे ये कोई जे लेवल की क्वेश्चन है या बॉक्स का जस्ट बेसिक समझने के लिए था? जस्ट कि बॉक्स दिमाग में घुस जाए, अच्छा इंटीजर दे रहा है। अब प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सबका कॉपी हो गया है? यस। ओके, हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बॉक्स एक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चलो लिखना बंद करो, अब मेरे साथ इंटरेक्शन, पूरा इंटरेक्शन चाहिएगा। बॉक्स एक्स हमेशा कैसा होता है? इंटीजर होता है, करेक्ट ना? मतलब अगर मैं कभी पूछूं बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 1.2, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। एंड आई होप यू रिमेम्बर बॉक्स ऑफ 1.2 सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन है, वो अलग चीज है, अंडरस्टूड ना? तो अगर मैं एग्जांपल पूछूं बॉक्स एक्स इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब मैं जो पूछ रहा हूं उसका सिर्फ यस और नो करना। कैन एक्स बी 0? नो। कैन एक्स बी 0.5? नो। कैन एक्स बी एनी वैल्यू लेस देन 0.5? नो। कैन एक्स बी 0.999? नो। कैन एक्स बी 1? यस। Can x be 1.1? Yes. 1.3? Yes. 1.9? Yes. 1.999? Yes. Yes. 2? No. No. So, kya answer hai? X belongs to, come on. Close bracket 1, 2, open bracket 2. Kya, sabko samajh mein aaya ye? Yes. So, iska matlab hum formula likh sakte hain, ya result likh sakte hain, jo bhi yaad karna hai, ki agar box x equals to I hai, तो x belongs to, come on, i से i plus 1, understood everyone? Yes. Second, box x greater than equal to i, चलो आ जाओ वापस objectively खेलेंगे। Okay, example, box x greater than equal to 2, चालू हो जाए? Yes sir. Okay, can x be 1.9? No. Can x be any value less than 1.9? No. Can x be 1.999? No. Can x be 2? Yes. Can x be 2.15? Yes. Can x be 2.89? Yes. 2.9999? Yes. 3? Yes. Yes. Greater than equal to का क्या मतलब होता है? Isn't 3 greater than equal to 2? Yes. Can x be any value greater than 3? Yes. So, इसका answer क्या है? X is 2 greater than equal to 2. Answer इसका बस. Come on, agree करो. Yes. तो इसका भी result याद कर लेते हैं. If box x is greater than equal to i, your answer is x greater than equal to i. Is that clear? Yes. कोई doubt यहाँ तक? No sir. Okay, box x is just greater than i. वापस एग्जांपल से खेलेंगे। Box x greater than 2. अच्छा ये बताओ, box x greater than 2 है, मतलब 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है तो मतलब क्या 2.1 हो सकता है क्या? नहीं। तो मैं समझ में आना चाहिए नहीं हो सकता है, क्योंकि box x तो हमेशा इंटीजर होता है। तो क्या तुम्हें ऑटोमेटिक दिमाग लग गया कि दिस इज ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 3? यस सर। और इसका आंसर तो आता है ना मैं? यस सर, ग्रेटर देन इक्वल टू। मतलब इसका कोई रिजल्ट याद नहीं करूंगा, इसका ऐसे ही कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम यहां तक?
कॉपी करो यहाँ पर। ये सबका हो गया? Yes, sir. चलो फोर्थ प्रॉपर्टी खुद से निकालो और बताओ मुझे, फोर्थ बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू आई में क्या होता है, फिफ्थ बॉक्स एक्स लेस देन आई में क्या होता है? एग्जांपल लेना हो ले हो तो जज करके बताओ जल्दी से। Yes, can sir, what do you think? X is minus infinity to close less than I plus 1. Yes, सबको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Box is less than equal to 2 है तो 2.5 भी चलेगा, 2.9 भी चलेगा, 2.99 भी चलेगा, but 3 नहीं चलेगा. Clear? Yes. याद रखना है, सुन लिया गधों? Yes, sir. नालायकों? हाँ, चलो. थोड़ा सा फिर कॉन्फिडेंटली बताओ यार, मैं होशियार भी बोलूं, हमेशा गधा नालायक बोलना पड़ता है। Yes, sir. Box x less than i का आंसर कैसे निकालेंगे? क्या बताया था मैंने, लेस देन ग्रेटर देन को पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? हाँ, क्या बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बताया कि ग्रेटर देन होता है तो उसको किसमें कन्वर्ट करते हो, ये बताओ जल्दी से। ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू में, ताकि आंसर फटाफट लिख पाए, करेक्ट?
वैसे ही लेस देन थ्री को क्या लिखना चाहता हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू व्हाट, टू टू, और इसका क्या आंसर अभी ऊपर याद किया फोर्थ पॉइंट में है लेस देन आई प्लस वन, क्लियर? यस यस सर। अब ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस यूं ही लिख रहा हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? चारों रिजल्ट जल्दी से याद करो, स्पेशली ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, बाकी दोनों को तो कन्वर्ट कर देना, जल्दी से याद करो। अच्छा, लीव वन पेज फॉर सिक्स प्रॉपर्टी एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी, पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे फिर इन प्रॉपर्टी वापस आएंगे। लीव वन पेज, सबने छोड़ दिया? यस यस। चलो क्वेश्चन वन, क्यों इतनी प्रॉपर्टी के बाद एक क्वेश्चन करेंगे तो तेरा दिमाग में अच्छा घुसेगा। सॉल्व फॉर एक्स, करो जल्दी करो। बॉक्स एक्स को तो वैसे मेरी आदत है आई लिखने की, ताकि दिमाग में रहता है आई इंटीजर, और काम लिखना भी फास्ट हो जाता है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक है? यस। अच्छा, इसके बाद क्या किया? आई इक्वल टू टू, आई इक्वल टू थ्री, बीच में क्या है, और है या एंड है? और का मतलब यूनियन लोगे या इंटरसेक्शन लोगे? यूनियन। यूनियन, वेरी गुड। अब आई मतलब बॉक्स एक्स इज टू, इसका क्या आंसर होता है? क्लोज ब्रैकेट 2 से 3, क्लोज ब्रैकेट 2 से 3, वेरी गुड। इसका क्या आंसर होता है? क्लोज ब्रैकेट 3 से ओपन ब्रैकेट 4। यूनियन मतलब कॉमन या एडिटिव? कॉमन। एडिटिव, एडिटिव, ये भी होगा ये भी होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लोज ब्रैकेट 2 से ओपन ब्रैकेट 4। क्लियर एवरीवन? Yes. कोई डाउट याद था? No, sir. Okay. Next, एक और क्वेश्चन करो, प्रॉपर्टी पे तो बाद में आ जाएंगे। फाइंड द डोमेन, फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज बॉक्स एक्स माइनस वन प्लस फोर माइनस बॉक्स एक्स का डोमेन। अच्छा, व्हाट इज द डोमेन ऑफ बॉक्स? बॉक्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। ऑल रियल वैल्यूज, वेरी गुड। मतलब बॉक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट ना? यस। तो प्रॉब्लम किसको है यहाँ पे? अंडर। अच्छा, पहले वाले को, दूसरे वाले को, या दोनों को? दोनों को। चलो स्टार्ट करो फिर फटाफट।
बीच में क्या आ रहा है और या एंड और एंड है ना एंड अभी तक ये नहीं सीखे मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा डांटना बंद कर दिया मैंने फर्स्ट शुड बी डिफाइंड एंड सेकंड शुड बी डिफाइंड निशान जैन करेक्ट सर्वेश रॉन्ग सयम करेक्ट गौतम करेक्ट विदय गलत सर्वेश करेक्ट अमन करेक्ट बस इनफ टाइम ध्रुव रॉन्ग नलायक बच्चों बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स का क्या आंसर होता है लेस देन सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स का क्या आंसर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स ध्यान रखो याद करने के लिए बोला है अभी तो यहाँ पे बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड बॉक्स एक्स लेस देन फोर तो यहाँ पे आंसर आ गया x greater than 1, यहाँ पे आंसर आ गया x less than 5, and मतलब intersection, so final answer 1 से 5. Clear everyone? Yes, sir. गलती क्यों करते हो भाई ध्रुव एंड देख दो नाला है कौन था हृदय बी पार्ट करो डोमेन के लिए क्या करेंगे नीचे वाला पार्ट अमाउंट ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में आई लिखो तुम्हें कंफर्टेबल होगा तुम्हें लगेगा अच्छा नॉर्मल वेवी कर्व की तरह ही है इसका आंसर क्या होता है एनीबॉडी क्या होता है माइनस इनफिनिटी से टू यूनियन फाइव से इनफिनिटी करेक्ट ना यस मतलब इसको अलग अलग लिखना हो ये तो क्या एक ही इंटरवल नोटेशन में अगर अलग अलग लिखना है तो ऐसे ही लिखूंगा ना कि इसका मतलब आई ग्रेटर देन टू या लेस देन टू लेस देन यूनियन आई ग्रेटर देन फाइव दोनों को डालो आई कौन है बॉक्स एक्स कम ऑन और लेस देन ग्रेटर देन के लिए क्या एडवाइस की थी मैंने किसमें कन्वर्ट करो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में फटाफट अमन सही कर निशान जैन बिल्कुल करेक्ट गुड बच्चे Yes, box x less than equal to 3, box x greater than equal to 6, union. What is the answer of this, everybody? Oh, my mistake, less than equal to 1. What is the answer of this, everybody? Minus infinity. मुझे less than greater than में बोलो, x less than greater than क्या? X less than 2. Less than 2, union. इसका answer, x? Greater than 6. Greater than 6. अब बस फाइनल आंसर लिखते हैं यूनियन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से टू
union 6 close to infinity. Simple enough, everyone? Yes, sir. Quite doubt. हो गया सबका? Yes, sir. उस प्रॉपर्टी के पेज पे वापस आ जाओ. अभी और क्वेश्चन तो करेंगे बट एक बार बेसिक क्लियर है. सिक्स प्रॉपर्टी. अच्छा बताओ सारी प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें कैसे जज करवाई? एग्जांपल लेके ना. यस सर. तो अब जो नई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उसको भी एग्जांपल देके जज करना. बॉक्स के अंदर कभी भी इंटीजर एड होता है तो कोई प्रॉपर्टी होती है. मतलब लाइक फॉर एन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि बॉक्स के अंदर x प्लस टू होता है तो एक्चुअली टू बाहर आ जाता है. इसको जल्दी से प्रूव करो. प्रूव कैसे? मतलब वैल्यूज लेके जज करो. कम ऑन, तुम्हें फील आ जाएगा. सही बोल रहे हैं. डालो x को 1.2. लेफ्ट साइड कितना हो गया बच्चों? बॉक्स ऑफ वन. अरे गधों, लेफ्ट साइड का मतलब ये होता है ना गधों, 1.2 प्लस 2 कितना होता है? 3. उसका बॉक्स कितना हो गया? 3. राइट साइड बॉक्स ऑफ 1.2 प्लस 2 सही लिखा है? यस. व्हाट इज बॉक्स ऑफ 1.2? 1. 1 प्लस 2? 3. इज लेफ्ट साइड सेम एज राइट साइड? यस. इस एग्जांपल से तुम्हें थोड़ा दिमाग टेढ़ा दिमाग चलना चाहिए, फील आना चाहिए. अच्छा पूरे में ऐड करके उसका डेसिमल पार्ट हटाओ या फिर शुरुआत में डेसिमल पार्ट हटा के फिर ऐड कर दो, एक ही बात तो होती है. कम ऑन. यस सर. हाँ ना, देखो एक और कोई भी रैंडम वैल्यू रख देते हैं. 10.9 देख लो. 10.9 प्लस 2 दैट इज 12.9 का बॉक्स दैट इज 12. राइट साइड में 10.9 का पहले डेसिमल हटा के फिर ऐड कर रहे हो वो तो सेम ही होगा ना? यस सर. यस सर. तो क्या प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई? Yes, कि बॉक्स के अंदर कैसा आना चाहिए? कुछ भी चलेगा तो बाहर आ जाता है या सिर्फ इंटीजर बाहर आता है? इंटीजर. सिर्फ इंटीजर. बॉक्स के अंदर अगर तुमने डेसिमल डाला तो ये ऐसे बाहर नहीं आता है. अंडरस्टूड? यस. कौन बता सकता है एक एग्जांपल जिसमें इक्वल नहीं होंगे? एनी एग्जांपल? 0.3. कोई भी एक्स को जिसका फ्रैक्शनल पार्ट जिसका डेसिमल पार्ट 0.3 से अबव ले लो. कम ऑन. 0.3 क्यों लिया मैंने? सोचो सोचो. इंटीजर बन जाए. 1.3, 2.3, 5.3 कुछ भी ले लो. 5.3 से अबव. 5.4. द नेक्स्ट डिजिट पे आए. क्या सबको फील आया कि क्यों गड़बड़ हो जाएगा? हाँ. क्यों? क्योंकि 0.4 प्लस 0.7 एक इंटीजर का जंप मार जाएगा. एग्रीड? हाँ सर. यस सर. 5.4 प्लस 1.7 इज 7.1. 7.1 का बॉक्स 7. बट यहाँ पे तो 0.4 पहले ही उड़ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये तो इंटीजर भी नहीं है. बॉक्स तो इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर. इंटीजर प्लस डेसिमल तो डेसिमल होता है. हाउ कैन दी बी इक्वल? एग्रीड? यस सर. यस सर. तो बहुत सारे तरीके से गलत ही गलत है. तो बॉक्स के अंदर क्या चीज होती है तो बाहर आ जाती है बच्चों? इंटीजर. इंटीजर. अच्छा व्हाट अबाउट एवरी टाइम पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव भी चलेगा? नेगेटिव भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेगेटिव भी तो एक तरीके से पॉजिटिव का यही तो है. कम ऑन. Yes, sir. तो बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है. अच्छा बट इस प्रॉपर्टी के कारण ये भी समझ लेना एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ही वर्क करता है, मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं होता है. अंडरस्टूड? यस यस सर. हां सर. सेम थिंग गोज फॉर डिवीजन आल्सो. बार मत करा देना. समझ गए? यस सर. यस सर. कॉपी करो यहां तक.
Yes, copied everyone? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. चलो, बहुत सारे क्वेश्चन में बॉक्स के अंदर माइनस एक्स भी आ जाता है. हम तो कंफर्टेबल है बॉक्स के अंदर एक्स है, तो बॉक्स के अंदर माइनस एक्स आ जाता है तो एक्चुअली हमारे पास रिलेशन है, एक प्रॉपर्टी है कि बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स हमेशा एक्चुअली एक कॉन्स्टेंट होता है. तो इसका प्रूफ या इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वैल्यूज देख के करेंगे ना. यस यस सर. बताओ फिर, कोई भी एक वैल्यू बोलो. चलो, व्हाट एवर यू विश. 1.7. देखो, एक गोल्डन चीज बता रहा हूँ तुम्हें. बॉक्स या फ्रैक्शनल में, आई एम रिपीटिंग अगेन, बॉक्स या फ्रैक्शनल में कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना, तो एक एग्जांपल से नहीं करना, दो एग्जांपल जरूर लेना. एक डेसिमल एग्जांपल और एक इंटीजर एग्जांपल. कम ऑन, एग्री करो? बहुत गड़बड़ होती है इन सब पे. यस सर. हां सर. क्या बोला? प्लीज रिपीट एनीबॉडी हु लिसन केयरफुली. एग्जांपल लेते जो है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शनल. बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इनकी किसी भी प्रॉपर्टी में वेरिफिकेशन के लिए दो एग्जांपल जरूर लो, एक इंटीजर का और एक डेसिमल का. तो जो तुमने एग्जांपल बोला है वो किसका है? डेसिमल का. तो एक इंटीजर भी बोल दो. चलो बताओ, लेफ्ट साइड कितना हो गया? बॉक्स ऑफ 1.7 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 1.7. व्हाट इज बॉक्स ऑफ 1.7? बॉक्स ऑफ माइनस 1.7 माइनस 2. आंसर आ गया माइनस 1. चलो, एक्स को 2 लो. बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ माइनस 2, कितना आंसर आ गया? 0. क्या ये ऐसा हर में हो रहा है? हाँ. तो क्या आंसर है? 0 कब होगा बताओ? जज हो जाना चाहिए. x is integer. When x is what? Integer. जब भी इंटीजर लोगे ऐसा ही तो होगा. कमॉन. यस सर. बट जब भी नॉन इंटीग्रल लोगे, डेसिमल लोगे, तो आंसर कितना आ जाने वाला है? माइनस. कॉपी. एवरीवन हो गया सबका? यस सर. यस सर. चलो, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो करके लाना. बोलिए, अभी कॉपी कर लो. क्लास होमवर्क है ये. अब मैं बॉक्स के आगे लिख नहीं रहा हूँ कि दिस डिनोट जीआईएफ. अंडरस्टूड है ना? यस सर. मैं लिख नहीं रहा हूँ, एग्जाम में तो हमेशा लिखेंगे.
और लास्ट वाला क्वेश्चन तो सबसे आसान है, और ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, मैं रैंडमली किसी का भी वीडियो ऑन करके पूछूंगा। सुन लिया सबने? यस सर। अटेम्प्ट अटेम्प्ट बोल रहा हूँ, नहीं आएंगे चलेगा, बट सबके नोटबुक में अटेम्प्ट दिखना चाहिए। ओके बच्चों, चलो रैप कर रहे हैं अब, ठीक है आज के लिए। सर एक सेकंड, लास्ट वाला क्वेश्चन सर नोट जल्दी सेंड कर देगा। क्या बोल रहा है? नोट्स जल्दी दोगे? नोट्स जल्दी जल्दी सेंड कर दोगे? थोड़ा बीच का बात होगा। हाँ बच्चा अभी सेंड कर दूँगा। और तूने किसके लिए नोट्स चाहिए तेरे को? तुम लेक्चर अटेंड किया है ना? हाँ सर, पर वो नोट्स रखूँगा तो फिर मतलब नोट्स को कुछ हुआ रहेगा तो फिर ये स्पेयर वाले काम में आएंगे ना। आई डोंट नो, मैं तो अभी भेज रहा हूँ, ठीक है चल बाय बाय।